सबसे पहले हम मोदक की स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर चिरौंजी लिया है और 6 से 7 यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं। तो चलिए इन्हें हम थोड़ा सा भून लेते हैं। उसके लिए एक पैन में 1 छोटा चम्मच मैंने घी गरम कर लिया है और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। गैस के फ्लेम को एकदम यहाँ पर लो रखेंगे। लो फ्लेम में 2 मिनट सिर्फ इसे हम भून लेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से भून गया। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे मैं एक बाउल में रख दूंगी जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ड्राई फ्रूट्स के अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद मैं इसे एक जार में डाल लूँगी और बस थोड़ा सा इसे ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैं नारियल का बूरा बना रही हूँ। अगर नारियल बूरा आपको ना मिले तो पके हुए नारियल को आप कद्दूकस करके मिला सकते हैं। 1 छोटा चम्मच ददरी कुटी हुई इलायची डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर मिला रही हूँ। शक्कर को आप अपने मीठे खाने के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग एकदम तैयार है। तो चलिए अब मोदक के लिए हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1 कप मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है। तो इसे मैं एक बर्तन में डाल लूँगी और इसमें 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैं घी डालूँगी जिससे मोदक अच्छे से मुलायम बनेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आटे में। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इससे हम आधा आटा अलग रख देंगे। तो यानी 1 कप आटा लिया था तो आधे कप आटे को हम अलग रख दे रहे हैं और आधे कप आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो इसका हम बनाएंगे, जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा लगा कर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक सॉफ्ट डो तैयार है। तो चलिए अब आधे निकले हुए आटे को भी हम तैयार करते हैं। उसमें मैं 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर डाल रही हूँ। आप कोको पाउडर की जगह ओरियो बिस्किट के क्रीम को अलग करके उसे भी मिला सकते हैं या फिर पार्ले जी बिस्किट को भी ग्राइंड करके मिक्स कर सकते हैं। और इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये भी अच्छे से तैयार हो गया। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरह के आटे और स्टफिंग तैयार है। तो चलिए अब मोदक बना लेते हैं। तो उसके लिए प्लेन वाले आटे से 1 लोई को मैंने अलग कर लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं आटा लगाऊंगी। आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे एक छोटी पूड़ी के साइज़ में हम बेलकर तैयार करेंगे। तो इसे एक पूड़ी बना ली मैंने, इसी तरह मैं दूसरी पूड़ी भी बनाऊंगी और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि तीनों पूड़ियों को हमें असेंबल या एक साथ में कैसे लगाना है। तो 1 चॉकलेट पाउडर वाली आटे से मैंने लोई निकाल ली है और इसे भी एक पूड़ी की साइज़ में बेल लेंगे। तो यहाँ पर 3 पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं, 2 आटे की और 1 चॉकलेट वाले आटे की। तो अब सबसे नीचे हम रखेंगे एक आटे वाली, प्लेन आटे वाली पूड़ी, बीच में रखेंगे चॉकलेट वाली पूड़ी और सबसे ऊपर भी प्लेन आटे वाली रखेंगे और इसको हम रोल कर देंगे। और अच्छे से इसे रोल करके हम एक लोई का शेप दे देंगे। उसके बाद चाकू से मैं इसे 2 लोई में बांट लूँगी और इसे भी हम एक पूड़ी के शेप में बांटेंगे। तो इस तरह से 2 लोई मैंने अलग कर लिए। उसके बाद इससे भी हम एक छोटी पूड़ी बेलकर तैयार करेंगे। पूड़ी को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना ही इसे हम बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे। तो एक छोटी पूड़ी बेलकर तैयार कर लेते हैं। पूड़ी को बेल लेने के बाद इसके चारों तरफ किनारों पर मैं हल्का सा पानी लगा दूँगी। बहुत ही हल्का सा हमें पानी लगाना है और उसके बाद मैं इसमें स्टफिंग डालूँगी। तो 1 बड़ा चम्मच भरकर हम स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में मोमोज बनाना बताया था, उसी तरह यहाँ पर भी हमें प्लेट्स बनाना है और उसे एक हाथ से पकड़ते हुए ऊपर से आपको दबाते हुए जाना है। तो सारे कोने अच्छे से यहाँ पर चिपक जाएंगे। बहुत ही आसान है, बस आपको इसकी प्लेट्स बनाती जानी है और ऊपर से दबाकर इसे चिपकाते जाना है। तो यहाँ पर एक मोदक का शेप बन जाएगा। तो यहाँ पर ठीक इसी तरह से बाकी के मोदक को भी मैं तैयार करूँगी। तो देखिए ये वाले मोदक को मैंने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए बाकी मोदक भी इसी तरह से हम बनाकर रख लेते हैं। तो सारे मोदक यहाँ पर मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए इन्हें फ्राई करते हैं और देखते हैं ये फ्राई करने के बाद कैसे लगेंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म कर लिया है और सारे मोदक हम इसमें रख देंगे फ्राई करने के लिए। और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम में दोनों तरफ से इन्हें पलटकर हल्के क्रिस्पी होने तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मोदक फ्राई हो गए। इन्हें मैं टिश्यू पेपर में रख लूँगी। तो देखिए इस तरह से मोदक मैंने फ्राई कर लिए। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और ये 2 कलर में देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं।